नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत फोकस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। जन्मष्टमी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए। दरअसल यहां वो एक महिला से बात कर रहे थे, तभी महिला ने उनसे कहा कि उसने भगवान तो नहीं देखा लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को देखा है, और ये कहते हुए महिला भी रोने लगी। मोदी जी, मेरे को 2011 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा हाथों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएँ 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है, उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ, मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मुंह रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत फोकस के साथ, जो है झूठ के दौर में सच के साथ।